ये गरीबों के साथ अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसको लोग पकड़ के नहीं लाते हैं, उस पर कार्रवाई भी नहीं करते हैं। लेकिन यही अगर नेता मंत्री और विधायकों के साथ हुआ होता तो मैं दावा के साथ कहता हूँ ना कि 24 घंटे के अंदर ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ये हिरासत में होते और अब तक सारा पैसा को रिफंड कर दिया गया होता। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं ना महोदय, इनकी बातों को कोई सुनता उनता है नहीं। और इसी तरह से तमाम जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं या तमाम जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं सीना चौड़ा करके घूमते हैं, और ये गरीब जो लोग हैं वो ऐसे ही मायूस होकर के रह जाते हैं। नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। अभी कुछ दिनों से आप लोगों को ये मामला सुर्खियों में आ रहा होगा कि विक्रमगंज का एक बैंक है जिसको इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता था, हालांकि वो पहले बैंक इलाहाबाद हुआ करता था, बाद में वो इंडियन बैंक हो गया और इंडियन बैंक होने के बाद वो इंडियन के साथ ही फ्रॉड करने लगा और शायद इंडिया के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हाथ मलते रह गए। और अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ना वही CSP काउंटर है, यही CSP काउंटर था जिस पर देख पा रहे होंगे कि इंडियन बैंक का लोगो भी लगा हुआ है और इलाहाबाद का भी लोगो लगा हुआ है, यानी कि यही वो CSP है जहां पर ये इस तमाम तरह की फ्रॉड को अंजाम दिया गया है। और मेरे पीछे जितने लोग मौजूद हैं, जितने गरीब असमर्थ लोग मौजूद हैं, उन्हीं के साथ ये तमाम चीज़ों को किया गया है। और फिलहाल इस CSP काउंटर पर देख पा रहे होंगे कि ताले को लगा करके यहां पर जो ये इसके ऑनर थे वो फरार हो गए हैं, वो पता नहीं इंडिया में है भी कि नहीं है, कि इंडियन बैंक के नाम से फ्रॉड करके कहीं विदेशों में चले गए, कहाँ चले गए हैं। विशेषकर यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास और उनके साथ किन किन माध्यम से फ्रॉड किया गया उन लोगों से भी इस बारे में भी जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैम परिचय दीजिए अपना। मेरा घर है मोहनी पोखरा जी। आपके साथ भी फ्रॉड हुआ, आपके साथ भी पैसा उसा कटा है? हाँ। कितना पैसा कटा था आपका? 81,000 कुछ रुपया। क्या नाम हुआ आपका? ज्ञानती कुमारी। अच्छा, 81,000 रुपया किस माध्यम से कटा आपका वो पैसा, मतलब ट्रांजेक्शन क्या कैसे हुआ? पैसा मेरा बाहर से ट्रांसफर हो रहा था यहाँ, वो मोबाइल लिंक हटा के आपका मोबाइल नंबर से हटा करके अपना, हाँ, मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर जोड़ के मेरा पैसा ट्रांसफर कर लिया है। ये तमाम जो अपने नाम से, कौन कौन? रंजीत कुमार अपने नाम से, अपने खाते दुबे, हाँ। वही दुबे जी ना, हाँ। मैं आप लोगों को एक बात बताने का प्रयास करूंगा, मैं पिछले कई दिनों से कुछ वीडियोस को मैं खुलासा कर रहा हूँ कि जानते हैं साइबर फ्रॉड वाले किस तरह से फ्रॉड करें। पहले तो ये बैंक से जा करके मिलते हैं, लिंक करते हैं, जिस तरह से इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक से लिंक हुआ उसी तरह से ये CSP वाले लिंक करते हैं बैंक से। लिंक होने के बाद ये मोबाइल नंबर को अकाउंट से लिंक करते हैं और फिर इसके बाद तमाम पैसों को अपने अकाउंट में लिंक करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और शायद ये गरीब जो हैं हाथ मलते रह जाते हैं। और भी लोग हैं वो भी, उन लोगों से ही बात करने का प्रयास करूँगा। अपना परिचय दीजिए, नाम क्या हुआ? कांति देवी, यहीं कराने वाली हैं? हाँ, हाल ठोके। कितना पैसा कटा आपका? 20,000। 20,000 कटा है? हाँ। अच्छा, आपका पैसा कैसे कटा है? कहीं आप थंब बम नहीं ना लगाई हैं? कैसे कटा है? यार चेक करवाई रही, ठेका चेक करवाने आई थी और काट लिया गया। हाँ, वो सही काट लेबो। अच्छा, क्या लगता है पैसे के जाने के बाद आप किस तरह से सदमे का शिकार हो गई हैं? कहीं ना कहीं आप गरीब हैं, क्या लगता है कि पैसा अगर मिल जाता तो बेहतर होता कि नहीं? पेंशन के पैसा रहे, पेंशन के पैसा रहे। हाँ। महोदय, नीतीश कुमार जी और RBI के जितने भी कर्मचारी हैं, इस महिला को देखिए, पेंशन का जो पैसा होता है ना महोदय, वो पैसा इस महिला ने अपने अकाउंट में रखा हुआ था और अकाउंट में रखा हुआ था कि कभी हमारा अगर स्वास्थ्य में गड़बड़ हुआ, कभी हमको ज़रूरत हुआ तो हम उस पैसे को निकाल करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन इस महिला का अकाउंट ही खाली कर दिया। अभी कितना पैसा है आपके खाते में? 600। मात्र 600 रुपया है? देखिए किस तरह से 20,600 में मात्र 600 को छोड़ दिया गया और 20,000 को निकाल करके इस महिला को किस तरह से मायूस कर दिया गया। शायद मैं इस तस्वीर को आप लोगों को नहीं दिखा सकता। मैं निवेदन करूंगा जिस तरह से ये CSP बंद है ना, ये CSP पर जो ये लेबल लगाया हुआ है इंडियन बैंक, इसी तरह से इंडियन बैंक पर भी सरकारी लेबल लगे और बंद होना चाहिए ये तमाम जितने भी ऐसे बैंक हैं जो कि ऐसे गरीबों का शोषण करते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराने का प्रयास करूँगा कि जितने भी बैंक हैं ना इस तरह का फ्रॉड करते हैं महोदय, उन सभी बैंकों पर ताला लगाने की ज़रूरत है। और RBI से मैं निवेदन करूंगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि दावा करती है कि हमारे बैंक के जो कि जितने भी खाता धारक हैं उनके साथ अगर फ्रॉड हो जाएगा तो 5-5 लाख रुपए का सभी हकदार हैं, तो महोदय इन महिलाओं को भी पैसा दे दीजिए, कम से कम ये लोग ऐसे मायूस ना रहें। एक और व्यक्ति मौजूद हैं, उनके साथ भी शायद इस तरह घटना हुई। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रुदल कुमार पड़ेगा। यहीं कराने वाले? यहीं कराने वाले। आपके साथ कितना? हमारी मैडम की खाता था इसमें जी,
हाँ मालती देवी। कितना पैसा कटा? 40,400 रुपये था। 40,000 वो कैसे कटा, किस माध्यम से कटा? जैसे मान लो उनको विदा किया, अपने पैसे डाले, आप देखिए एक बार जाकर, दो बार देखे तो पता चले कि हाँ ठीक है, वो बोलते थे कि हाँ पैसा है। इसके बाद में मैंने बाहर से आया तो उसमें से पैसा मेरे कुछ दिए, बोले कि जो चार दिन रुक जाइए, तब तक ले 40 गया। मैंने ATM देखा तो ATM में पैसे ही नहीं था। बोले कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो कोई बता रहे थे इनके बच्चे की तबीयत, एक दो दिन रोका मैंने। मैंने बोला चलो भाई एक दो दिन में आ जाएंगे, कहीं गए हॉस्पिटल तो कोई बोलता था बनारस है दफ्ती हॉस्पिटल में, कोई बक्सर है, कोई करे कि मतलब कई जगह बताते थे। मैंने सोचा चलो एक दो दिन में आ जाएंगे, आपको उम्मीद था कि कभी ना कभी आएंगे, तो कभी ना कभी आएंगे। तो मैंने देखा एक हफ्ता हो गया नहीं आए, तो मैंने ATM लेके गए। जब ATM से निकालने पैसा गया तो उसमें 13 रुपया पैसा था। मैंने फिर ब्रांच में गया विक्रमगंज, तो उसमें दिखाया, वहाँ भी प्रिंट कराया तो वो भी देखा तो उतना ही बताए। तो मैंने बोला इसके लिए क्या किया जाए, तो बोले एक एप्लीकेशन दीजिए आपका जो है हल हो जाएगा। फिर डिटेल हमसे निकलवाए वो अपना, तो उसमें मात्र 13 रुपया और एक अंगूठा का निशाना लगाया था, जैसे आने जाने के बाद वो पैसा निकाल रखा था, 10,000 रुपया ट्रांजेक्शन कर रखा था। तीसरा वाइफ है वो बैंक में जाकर अंगूठा लगाई थी, आई थी जहाँ पैसा मैंने डाला, तो उसने आया देखने के लिए, तो उसने बोला ठीक है यार, चेक करने के लिए भाई बोलता था कि आना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। पहले मैसेज आता था तो मोबाइल को अपने थी, हमारा नंबर जो पहले आता था तो पहले बोला इंडियन बैंक है, तो चलो इलाहाबाद है तो इंडियन बैंक हो गया ना, तो अब आइएगा तो हो जाएगा। मैंने बाहर रहता था तो आया तब तक ले, उसके बाद में ये पैसा आता नहीं, तो मैं उससे बोला पंडित जी हमारा क्या हुआ ये, तो बोले कि रुक जाइए चलिए हम आपको विक्रम जुड़वा दूंगा, आप घबराइए मत। तो मैंने बोला चलो आए थे तो अपने घर पर अभी एक हफ्ता रहेंगे, उसके बाद में हो जाएगा। इसी बीच में वो फरार हो गए, तो मिले ही नहीं थे, जुड़ेगा कहाँ से? पैसे आपके ट्रांजेक्शन हुआ वो बायोमेट्रिक से हुआ, थंब से हुआ है, या फिर नंबर को चेंज करके UPI से? UPI से चेंज करके ऊपर। हाँ, ये तमाम जितने भी लोग हैं ना, ये रंजीत कुमार दुबे, ये एक ऐसा नाम है जिस व्यक्ति ने पहले तो सभी के अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर लिंक किया, सभी के नाम से अपना UPI ID चलाने लगा, और UPI ID चलाने के बाद सभी का पैसों को अपने कब्जे में करके अपने खाते पर कर लिया। और शायद ये गरीबों के पास, शायद ये जो व्यक्ति आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने पैसे को रखा था अपने स्वास्थ्य के लिए, और इनके बच्चे का तबीयत खराब हुआ तब इन्होंने ATM के थ्रू जा करके अपने ATM में जब पैसे को निकालने की कोशिश किया, तो ATM से एक स्लिप आया जिसमें कि सिर्फ 13 रुपये 13 पैसे दिखा रहा था। तो क्या गुजरा होगा उस इंसान पर जिसने अपने बच्चे के स्वास्थ्य खराब होने पर पैसे की उम्मीद से बैंक में गया, ATM में गया, और वहां पर पैसे नहीं बल्कि वहां पर एक स्लिप निकली और उसमें से लिखा हुआ था कि सिर्फ 13 और 13 रुपये हैं, तो या 13 पैसे हैं। मैं निवेदन करूँगा इस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, भारत के कितने भी किसी भी कोने में। ना मैं फिर से दोहराऊँगा, ये गरीबों के साथ अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसको लोग पकड़ के नहीं लाते हैं, उस पर कार्रवाई भी नहीं करते हैं, लेकिन यही अगर नेता मंत्री और विधायकों के साथ हुआ होता तो मैं दावा के साथ कहता हूं ना कि 24 घंटे के अंदर ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ये हिरासत में होते और अब तक सारा पैसा को रिफंड कर दिया गया होता। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं ना महोदय, इनकी बातों को कोई सुनता उनता है नहीं। और इसी तरह से तमाम जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं या तमाम जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, सीना चौड़ा करके घूमते हैं, और ये गरीब जो लोग हैं वो ऐसे ही मायूस होकर के रह जाते हैं। किस प्रकार से मायूसियां चेहरे पर इस तरफ भी दिखाएंगे, इस तरफ भी तमाम लोगों की जो भीड़ है वो लगी हुई है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है उम्मीद लगी हुई है कि कहीं से भी अगर हम लोगों का पैसा अगर आ सके ना तो आ जाए। बाकी आज तक के लिए इतना ही, प्रयास मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और जितने भी लोग इस घटना का शिकार हुए हैं कमेंट करके बताइए, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का आइडेंटिटी नंबर होगा या फिर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उनसे जुड़िए और जुड़ करके हम अपना एड्रेस बताइए, हम आपकी भी समस्याओं को दिखाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे बैंकों पर ताला जब तक नहीं लगे ना तब तक हम और हमारा चैनल इसी तरह से चिल्लाते रहेंगे। बाकी अब तक के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।